ओके जी, ऑल द डिवोटीज केम टू टेम्पल ब्लैंक। अब आ एन या दी। अब एक बात तो ये कि डिवोटीज कौन होते हैं जो पूजा करने जा रहे होते हैं, इबादत करने, और टेम्पल, तो क्या लगेगा आ एन दी या कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। वाई? देखो, टेम्पल जो आप जा रहे हो, टेम्पल का मकसद क्या होता है? इबादत करना। चर्च हो, मॉस्क हो, इबादत के लिए। अब आप किसी पार्टिकुलर प्लेस पे, उसी प्लेस के लिए जा रहे हो जो वो काम करता है, तो फिर कोई आर्टिकल नहीं होता। हाँ, अगर एक चीज़ होती है, देखो, एक डॉक्टर का काम ही हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर गोइंग टू द हॉस्पिटल नहीं होगा, गो टू द हॉस्पिटल, खाली गो टू हॉस्पिटल। दी तब लगता है कि अगर आप किसी उस चीज़ को किसी और पर्पज़ के लिए, उसको, अब देखो, बेड होता है सोने के लिए, लेकिन अगर आप बेड पर खाना खा रहे हो तो दी बेड हो जाता है। आप सोफ़ा बैठने के लिए होता है, लेकिन अगर आप सोफे में सो रहे हो तो फिर दी सोफ़ा हो जाएगा। यानी कोई चीज़ उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती। आप किसी इबादत गाह में इबादत के लिए जा रहे हो तो दी यूज़ नहीं होगा। अच्छा, आपको चलो पानी पी लेते हैं, गुजर रहे हैं जी, पानी पी लेते हैं, ठीक है, अंदर से जाके मॉस्क है या ऐसे कहीं भी जगह, तो फिर दी यूज़ होगा, ठीक है। हॉस्पिटल आप गए, लेकिन आपका मकसद हॉस्पिटल नहीं था, वहाँ की कैंटीन से खाना खाना था, तो या फिर आपने कहा चलो यार हॉस्पिटल में कोई कैंटीन वैंटीन होगी, सैंडविच पकड़ लेते हैं, तो ये फिर अगर उस पर्पज़ के अलग चीज़ के लिए होती है। अब कोई बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो तो रोज़ाना जाता है, उसके भाई या छोटी बहन ने कहा कि भाई मुझे ऐसे घूमने जाना है, उस पर्पज़ के लिए उस जगह नहीं जा रहे, तब फिर लाजमी दी यूज़ होगा। और उसी पर्पज़ के लिए उस जगह जा रहे हैं तो दी यूज़ नहीं होगा, ब्लैंक रहेगा, कोई आर्टिकल।